जिस तरह से जो नवयुवक जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में लाइन लगा के रजिस्टर कराने लगे अपने नाम के बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उसके लिए, तो उसी समय लग गया था कि नौजवान किधर जा रहा है। हम तो ये समझे थे कि लगभग 1.5 करोड़ 1.40 करोड़ नए वोटर जो 2009 में वोटर नहीं थे, जो 2012 तक वोटर हुए, तो नौजवान थे 18 से 21 साल के बीच के, वो हम समझ रहे थे कि हमारे साथ में है। लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि हमारे साथ नहीं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। उसको 1000 रुपया जो बेरोजगारी भत्ता दिखाई दे रहा है कि पान मसाला बीड़ी सिगरेट का ही काम चल जाएगा, या मोबाइल का चार्जिंग उसमें पैसा देने के लिए पर्याप्त रहेगा, तो इस तरह से वोट चला गया। लेकिन पुनिया जी, समाजवादी पार्टी के वादे लैपटॉप टैबलेट और बेरोजगारी भत्ता, इन सब ये सब राहुल गांधी का जो युवा चेहरा था, जो करिश्मा था, कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस का युवराज, उस पर बहुत भारी पड़ा। उसी 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 परिस्थिति में बीएसपी ने चुनाव लड़ा, बीएसपी ने भी उसी परिस्थिति में लड़ा, सपा के इन वादों के अगेंस्ट उसने भी चुनाव लड़ा, 80 सीट जीती, 209 पर नंबर 2 पर रही। उन्हीं परिस्थितियों में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी एक तो बहुजन समाज पार्टी के विकल्प के रूप में हम अपने आप को नहीं दिखा पाए, तो जनता ये चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, चाहे जो हो जाए, और उसके लिए क्यों नहीं बना उसके पाई? लिए उसके लिए समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में देखा। और जैसे मैंने पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के वादे नहीं किए जिसके तत्काल लाभ मिल जाए, इन्होंने ऐसे वादे किए जो तत्काल लाभ लोगों को मिल जाए, और वो तत्काल लाभ देने की स्थिति में भी नहीं है। जैसे बेरोजगारी भत्ते का जी। लोग बाग जो 18 साल से ऊपर के जितने थे नौजवान, वो सब कह रहे थे कि साहब हमको भत्ता मिलेगा, तो इन्होंने कह दिया कि 35 साल तक के जितने लोग होंगे उनको भत्ता नहीं मिलेगा। 35 साल से ऊपर का अगर 25 साल भी किया है तो भी भाई 18 से 25 तो बल्क पूरा का पूरा नौजवान तो 18 से 25 का ही है। और उसमें भी ये कहा है अगर किसी के पास जॉब कार्ड अगर है मनरेगा का तो उसको भी नहीं मिलेगा, अगर कहीं उनके परिवार में कोई और नौकरी में पा रहा है तो भी उसको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से शर्तें लगा दी हैं। मैं समझता हूँ गिने चुने नौजवान होंगे जिनको ये लाभ मिलेगा, बाकी तो जी। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस अपने को विकल्प के रूप में प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में? ये जनता ने क्या चीज ठीक समझा इस पर निर्भर करता है ना। हमने जैसे मैंने बताया कि जो लोगों को तत्काल लाभ मिल जाए वो बातें नहीं कही, वो बातें ऑफर नहीं की, वो हमने घोषणाएं नहीं की, हमने दीर्घकालीन बात की। हमने ये कहा कि प्रदेश को विकास चाहिए, हमने कहा कि प्रदेश में जो ऊर्जा का उत्पादन बढ़ना चाहिए, जो जनरेशन कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, हमने कहा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए, स्कूल कॉलेज उसका शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए, तो ये चीजें हमने कही। अच्छा, हमने सब अनुसूचित जाति के लिए कही, हमने माइनॉरिटीज के लिए कही कि उनका उनको रोजगार मिले, आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े, हमने ये बातें कही। और लोगों ने देखा कि जो 1000 रुपया जो बेरोजगारी भत्ता मिले तो वही काफी है, उसी के लिए पीछे पड़ गए कि हर महीने कम से कम 1000 रुपया तो मिलेगा। तो यही सब चीजें हैं जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सब फैक्टर्स के अलावा कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो छत्रप थे उन्होंने चुनाव के दौरान अपने बयानों का इतना विचित्र एक वो किया मुजाहिरा, उससे भी कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ? ढेरों ऐसे बयान आए जो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए, जिनसे या तो पार्टी में आंतरिक कलह दिखाई दी या किसी वर्ग विशेष को क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। देखिए, ये सही है कि कुछ एक बयान नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अगर वो बयान ना होते तो कांग्रेस विकल्प में आ जाती और लोग जनता समझती कि हाँ ये विकल्प है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो निर्णय जनता ने ले चुके थे, मन उन्होंने बना लिया था कि समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और वही हरा सकती है बहुजन समाज पार्टी को, बाकी कांग्रेस नहीं हरा पाएगी। तो बीच में मैं समझता हूँ कि छटपटाहट में कुछ नेताओं ने बयान भी दे दिए जो कि उचित नहीं थे किसी भी तरह से,
लेकिन उसकी वजह से हम विकल्प से बाहर हो जाएं, ऐसा नहीं है। विकल्प से बाहर नहीं होते, लेकिन एक नॉन सीरियसनेस दिखाई देती है ना पार्टी की। जिस दिन वोट हो रहा था आपके इलाके में, उस दिन आपके इलाके के कांग्रेस के बड़े नेता, जिनको राहुल जी ने मंच से कहा कि ये मेरे गुरु हैं, बेनी प्रसाद वर्मा जी, उन्होंने एक बड़ी विचित्र सी टिप्पणी कर दी काउंटिंग के दौरान ही। उन्होंने कहा पीएल पुनिया का यहाँ क्या काम, वो पंजाब के हैं। तो जब ऐसी टिप्पणियां आती हैं, तब शायद कई जनता को लगता है कि नॉन सीरियस प्लेयर है ये लोग। देखिए, जनता भी किस टिप्पणी को गंभीरता से लें और किस टिप्पणी को गंभीरता से ना लें, ये जनता खूब अच्छी तरह से जानती है, और वही उन्होंने किया। जी, कभी कांग्रेस पार्टी ने ये भी सोचा कि जिनके सिर उसने मुकुट सजाए उत्तर प्रदेश के होने के नाते, उन सबके इलाकों में कांग्रेस डूब गई? एक एक मंत्री उठा के देख लीजिए। देखिए, जब जो प्रभावशाली एमपी है उनको उठा के देख लीजिए। इसकी समीक्षा राहुल जी ने स्वयं अपने से की है और उनको सब पता है, और इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं राहुल जी, उत्तर प्रदेश के काम को जो संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, उन्होंने स्वयं समीक्षा की है और गहन समीक्षा की है, तो मैं समझता हूं कि वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे। पूनिया जी, अभी जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव की सरकार, उसके साथ दिल्ली में आपका अच्छा रिश्ता है, तो उत्तर प्रदेश में आप विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएंगे? थाने में रेप होगा तो आप सड़क पर धरना प्रदर्शन अनशन कैसे करेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो रिश्ते बहुत मधुर हैं। देखिए, मेरी बात बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि विपक्ष में होना का मतलब ये नहीं है कि जो चाहे हर चीज के लिए हम सड़क पर कूदते रहें जी। लेकिन अच्छे रिश्ते का मतलब ये भी नहीं है कहीं दुर्घटना हो, कहीं बलात्कार हो, कहीं अपराध हो, कहीं उत्पीड़न हो, और वहां पर चुप बैठे रहें। हम तो नहीं चुप बैठते। मैंने तो अभी इलाहाबाद में जाके कहा है, वहां दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ तो हमने कहा कि ये सरकार नाकाम रही है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये सरकार दलित विरोधी है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, वहां पर मीडिया में भी आया है। तो हम गुण दोष के आधार पर जहां जहां पर अगर कोई कमी लगेगी, कतई एक रत्ती भर पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरह से सरकार को आड़े हाथों लेंगे और उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। नहीं, तब दिल्ली का संतुलन तो नहीं गड़बड़ाएगा? नहीं, दिल्ली में कौन बात हो रही है, हम उनको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं कर रहे हैं। हमने ये तो नहीं कह रहे हैं कि जो बलात्कार हो गया थाने में वो अखिलेश यादव की टीम ने कर दिया या मंत्रियों ने कर दिया, हम तो ये तो नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो दोषी है, जिसको मैं समझता हूं कि सरकार में बैठे लोग वो बचाने का काम नहीं करेंगे, हम तो ये कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर कोई दोषी व्यक्ति है, कोई दरोगा लापरवाही की है या उसकी मिलीभगत से हुआ है, तो उसको भी जेल भेजा जाना चाहिए। तो उनको उनके साथ क्यों हमदर्दी होनी चाहिए, और उसका केंद्र सरकार के रिश्ते और उससे क्या वास्ता है, मैं नहीं समझता। ये वास्ता तो होता है, व्यवहारिक तौर पर होता है, सैद्धांतिक तौर पर कोई वास्ता नहीं, आप कह सकते हैं। आप कांग्रेस के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल ये भी है कि दोनों बड़े प्लेयर जो उत्तर प्रदेश के हैं, मायावती और मुलायम सिंह, दोनों के साथ दिल्ली में उसका रिश्ता है और उत्तर प्रदेश में वो दोनों से लड़ना चाहती है, इसलिए कहीं सिंसियरिटी नहीं दिखाई देती। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार में जब हमने समर्थन मांगा भी नहीं, 2009 की बात कर रहे हैं, और ये दोनों दल राष्ट्रपति जी यहाँ पर देके अपना समर्थन का पत्र देके आए थे, और ये हमारे यूपीए घटक के सदस्य नहीं हैं, ये अपना भार से समर्थन दे रहे हैं, और बीच बीच में कहते रहते हैं कि हम मुद्दों पर आधारित समर्थन दे रहे हैं। तो अच्छा जहाँ पर लगता है तो वहाँ समर्थन देते हैं, जहाँ अच्छा नहीं लगता वहाँ समर्थन नहीं देते। तो ये हमारा रिश्ता सेंटर में इनके साथ में है, तो हम जनता, आम आदमी जिसके साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं, दिखाई देते हैं, आम आदमी के साथ हमारा हाथ रहता है, तो उसके साथ अगर कहीं अन्याय हो, उसके साथ कहीं जाति और अत्याचार हो, तो उसको हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम कभी नहीं बर्दाश्त करते हैं। एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता जहां भी जाती होगी वो सड़क पे आएगा, विरोध करेगा, आंदोलन करेगा, और डट के आम आदमी जिसके साथ अत्याचार हो उसको न्याय दिलाएगा।
पुणे साहब बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से बात करने के लिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक आप देखते रहिए समाचार प्लस। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा, एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां एक पूर्व विधायक पर संगीन आरोप लगे हैं। एक नाबालिग लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है पूर्व बीएसपी विधायक पर। आपको बता दें कि जहांगीराबाद इलाके की रहने वाली है लड़की, और इसने आरोप ये लगाया है कि रक्षाबंधन के दिन इसी के गांव का एक शख्स अपनी पत्नी और दोस्त के साथ इसे बहला फुसलाकर बुलंदशहर ले गया था, और यहां पर उसने पूर्व विधायक अनिल शर्मा की कोठी पर इस लड़की को छोड़ दिया। पीड़ित का आरोप यह है कि रात में अनिल शर्मा जो कि पूर्व विधायक है, उन्होंने इस लड़की के साथ जबरदस्ती की और बलात्कार किया। जब इसकी शिकायत थाने में कराई गई तो पुलिस ने भी मामले को हल्के में लिया और बलात्कार की बजाय रेप अटेम्प्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, एफआईआर में ना तो आरोपी पूर्व विधायक का नाम लिखा गया था और ना ही पीड़ित लड़की का मेडिकल चेकअप कराया गया। पीड़ित परिजनों ने जब एसएसपी से मिलकर इस मामले की शिकायत की, तब कहीं जाकर पुलिस हरकत में आई है और जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। तो बुलंदशहर का ये मामला है जहां पर एक नाबालिग लड़की ने, 14 साल इस लड़की की उम्र बताई जा रही है, और इस लड़की ने आरोप लगाया है पूर्व बीएसपी विधायक पर बलात्कार का। तो बुलंदशहर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पूर्व विधायक पर बलात्कार करने का आरोप लगाया, एक लड़की ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, और जब वो शिकायत लेकर पुलिस के पास गई तो पुलिस भी इस राजेश और राजेश की बहू ले गए और राजकुमार विधायक के ढोरे कोठी पे नन्ने वहाँ बदतमीजी करी अली शर्मा ने। जो राजेश और राजेश की बहू और राजकुमार नाम का लड़का मुझे जो है भेगा के ले गए और अनिल शर्मा की कोठी पे ले गए। गेट तो जो है लाल, तो गेट बतावे लाल अंदर से पुतवावे, बुलंदशहर में ही बताइए। अच्छा, इसने और फिर जो इसके साथ जो अगर जो मेरे साथ जो है गलत सलत काम करे। बलात्कार के प्रयास का एक अभियोग पंजीकृत हुआ है थाना जहांगीराबाद का, जिसमें एक लड़की है जिसके पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें आप सकते हैं कि जो यहां पूर्व विधायक हैं अनिल शर्मा, उनके द्वारा उन्हीं के निवास पर उसका बलात्कार किया गया है, ऐसा उसने आरोपित किया। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। कपिल, अब क्या कुछ किया जा रहा है इस पूरे मामले में? देखिए बिल्कुल, मुझे बता दूं कि हालांकि मामला को दर्ज कर लिया गया है, और वहीं अगर एसएसपी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमने इस मामले को दर्ज कर दिया, लड़की के बयानों पर हमने दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन अभी कर रहे हैं, और जो भी उचित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी नवी जी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब मामला दर्ज कराया गया था तो पुलिस ने लापरवाही दिखाई है, यहाँ तक कि पुलिस ने जो पूर्व विधायक हैं अनिल शर्मा उनका नाम भी रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया था। देखिए आप बिल्कुल बता दो, हाँ कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की जरूर जो है लीपापोती की बात नजर आ रही है, जहां पहले ही जो है पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, और वहीं लड़की के बयान भी पहले भी
दी गई थी। लड़की ने बताया था कि मुझे बसपा के जो पूर्व विधायक है अनिल शर्मा, जो की दो बार खुर्जा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी मेरे साथ रेप किया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी और मामला दूसरे तरीके से लड़के उनके दो अज्ञात लोग दो लड़कों के खिलाफ उनके जो स्कूल के चपरासी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन जब ये मामला मीडिया में आया तो पुलिस हरकत में आई और उन्होंने बताया कि हमने अब